विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि गांव में दो लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है, जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है, ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अनुभव कर रहा था कि आपको इतना सारा कहना है
आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली पानी गैस इलाज पढ़ाई, अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त कर, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था, और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है।